दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग के फ़ोन में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आती है कि उनके मोबाइल का कलर जो है वो प्रॉब्लम करने लगता है। कलर या तो मोबाइल का ब्लैक एंड वाइट हो जाता है या फिर किसी भी कलर का हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप में से बहुत सारे भाई मेरे पास कमेंट करके पूछा भी करते हैं। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के अभी भी मोबाइल जो है वो नहीं सही हो पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार अपने मोबाइल को सही कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का है, ये टिप्स अगर आप यूज करते हैं तो आपका मोबाइल भी सही हो जाएगा। इसके लिए आप सभी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब कभी आपके मोबाइल में कलर इन्वर्सन की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि आपका मोबाइल का स्क्रीन ख़राब हो गया है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मेरे पास कॉमेंट करके भी कहते हैं कि भाई मेरा जो है स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई क्या। ऐसा नहीं है, आपको ये ट्रिक्स यूज करनी है, फिर उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आपका मोबाइल सही हो जाएगा। किसी भी कंपनी का आपका मोबाइल है, आप चुटकियों में सही कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ साइड में आप सभी को दिख रहा होगा मोबाइल की स्क्रीन, इसमें आप सभी को सबसे पहले ओपन करना है अपना सेटिंग। सेटिंग जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से सेटिंग का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। आप सभी को नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आना और एक आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले का। आप यहां पर देख सकते हैं, ये डिस्प्ले का ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा होगा। आप सभी अपने मोबाइल पर चेक करेंगे, डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे तो यहां स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक आप सभी को ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए कलर स्कीम का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ऑटो आपका है कि नहीं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर ऑटो चेक कर लेना है। पिछले जितने भी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं उनमें ये ऑप्शन आपको नहीं बताया। तो कलर स्कीम में आपको ऑटो सेलेक्ट कर लेना है, इससे आपका मोबाइल में कभी कभी प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड कोई सेलेक्ट कर लेता है, देखिए कलर जो है किस तरीके हो गया, और ये सेचुरेट कर लेता है तो किस तरीके हो गया। तो ऑटो ही रहने देते, ऑटो काफ़ी अच्छा रहता है, तो ऑटो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आप सभी को नीचे आना और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आएंगे और एसेसिबिलिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एसेसिबिलिटी पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, और आप सभी को ये चेक कर लेना है कि आप सभी का विजन का ऑप्शन कहाँ है। विजन पर क्लिक करेंगे, विजन का मतलब दृश्य होता है हिंदी में, तो ये विजन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों देखना है ये कलर इन्वर्सन का ये जो ऑप्शन है ये ऑन ना हो। अगर ये ऑन होगा तो ये गड़बड़ करेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर ये ऑन हो जाता है तो देखिए ऐप जो है मोबाइल के आपके किस तरीके के ओपन हो रहे हैं। तो ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ होगा तभी ये देखिए सही हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि ये कलर जो करेक्शन का ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये इनेबल होगा तो भी ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल पे आएगी। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ये आपको ऑफ करके रखना है। ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑफ कर दिए, अब आपका मोबाइल जो है प्रॉपर जो है सही हो चुका होगा। इस ट्रिक का यूज करेंगे आपका प्रॉपर सही हो जाएगा। इसके बाद भी अगर सही नहीं होता तो आपको केवल स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है और आपका मोबाइल जो है प्रॉपर वे में चलने लगेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि अगर आप इन दोनों तरीकों का यूज करते हैं और जो मैंने स्टार्टिंग में तरीका बताया था, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मोबाइल में भी कलर इन्वर्सन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कलर करेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी प्रॉब्लम जो स्क्रीन की कलर की प्रॉब्लम होती वो सारी सही हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।